Today I am going to explain you history and the sport. The story of cricket. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England. ये क्रिकेट गेम जो है शुरू में इस प्रकार से नहीं खेला जाता था, इसको ये निरंतर सुधार किया गया। पहले बॉल और स्टिक से लोग खेलते थे और फिर उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट होते होते आज जो क्रिकेट तुम लोग खेलते हो वो इस स्वरूप में आया है। 500 इयर्स एगो अंडर ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट रूल्स, पहले बहुत अलग रूल्स भी थे इसके क्रिकेट के। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। ये जो बैट जिसको हम कहते हैं जिससे बॉल मारते हो, ये इसका सिंपली जो मीनिंग है बैट मीन्स स्टिक है ना, स्टिक से होता था, पहले स्टिक से ही खेलते थे, शुरुआत किए थे। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game and it was popular enough for its fans to be fined for playing it on Sunday instead of going to चर्च। बहुत सारे बच्चे पहले इसको खेला करते थे जो चर्च न जा करके और अपने मजे के लिए, बच्चे जैसे खेल कोई खेलते हैं तो वो लोग ये क्रिकेट है स्टिक से बॉल को मारते थे है ना। हाँ, टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक कर्व्ड आउटवर्ड एट द बॉटम। 18th सेंचुरी मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी तक में ये बैट का रूप इस प्रकार नहीं था जैसा भी है, ये हॉकी स्टिक की तरह था, जैसा हॉकी स्टिक होती है उस प्रकार से कर्व नीचे होती थी, ऐसे स्टिक होती थी जिससे लोग बॉल मारते थे है ना। हाँ हाँ, देर वाज ए सिंपल रीजन फॉर दिस। द बॉल वाज बॉल्ड अंडर अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन the best chance of making contact. You know the ball is round and stick, when stick was curved there it was easier to hit the ball. How that early version of cricket played in a village England grew into the modern game played in giant स्टेडियम इन ग्रेट सिटीज इज ए प्रॉपर सब्जेक्ट फॉर हिस्ट्री बिकॉज वन ऑफ द यूजेज ऑफ हिस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट वॉज मेड। ये इसके एक लंबी कहानी है क्रिकेट की भी, कैसे ये किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई स्टिक और बाल से और फिर इसका पूरे विश्व में ये छा गया और आज मॉडर्न एज में क्रिकेट गेम सबसे अधिक प्रचलित गेम है, पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है ना। तो ये कैसे वहां से यहाँ तक आया ये तुम इसमें स्टडी कर रहे हो है ना। एंड स्पोर्ट इज ए लार्ज पार्ट ऑफ कंटेम्पोरेरी लाइफ, इट इज ए वन वे इन विच वी अम्यूज अवर सेल्स कंपीट विथ ईच अदर
stay fit and express our social loyalties. देखो ये गेम से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, हमारा शारीरिक व्यायाम होता है, हम अपने शरीर को फिट रखते हैं, इसलिए खेल खेलना बहुत जरूरी है। तो ये क्रिकेट गेम जो है काफी पॉपुलर गेम है और सभी जगह सारे देशों में, लगभग सारे देशों में ये खेला जाता है। इफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस टूडे ड्रॉप एवरीथिंग टू वॉच द इंडियन टीम प्ले ए टेस्ट मैच और ए वन डे इंटरनेशनल, इट इज रीजनेबल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर हाउ दैट स्टिक एंड बॉल गेम इन्वेंटेड इन साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड बिकॉज द रूलिंग पैशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस इज पर्टिकुलरली सो सिंस द गेम वॉज लिंक टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म एंड वॉज इन पार्ट शेप्ड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। तो ये देखो जो गेम है वह चाहे कोई भी देश हो, कोई उसकी भाषा हो, लेकिन कोई धर्म हो, इससे बढ़ा नहीं है। गेम सारी जगह खेले जाते हैं, है ना, ये सब भूल करके, है ना, कि कौन किस धर्म को अपनाने वाला है, कौन क्या है, कि कौन किस देश का है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है गेम में, है ना। देखो हर कोई उसको एक्सेप्ट किए हैं और हर देश में वो खेला जाता है। Our history of cricket will look first at the evolution of cricket as a game in England. ये देखो जो क्रिकेट का जो इतिहास है ये इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई क्रिकेट गेम की। And discuss the wider culture of physical training and athletics of the time. It will then move to India. Discuss the history of the adoption of cricket in this country and trace the modern transformation of the game. ये इंग्लैंड से फिर हमारे देश में भारत में भी आया और भारत के लोग भी बड़े ही शौक से इस गेम को खेलते हैं और एक एक से बढ़कर के प्लेयर हुए हैं। हमारे देश में भी अच्छे अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से खेले हैं, है ना, सचिन तेंदुलकर जैसे रिकॉर्ड बनाने वाले, और इधर जो अभी इस समय वर्तमान में कौन है सबसे अधिक, विराट कोहली, है ना। तो इस प्रकार से ये एक एक से बढ़ करके प्लेयर हैं। हाँ, and trace the modern transformation of the game. In each of these sections we will see how the history of the game was connected to the social history of the time. और देखो ये गेम जो है वो कैसे पूरा तुम देखोगे, प्लेयर तो कुछ होते हैं लेकिन उसको वॉच करते हैं टीवी में और देखते हैं कितने सारे लोग हैं जो कभी भले न खेलते हो लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट होता है। क्यों इंटरेस्ट होता है? क्योंकि देख किसी को तो ये है कि हमारे देश के खिलाड़ी हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं, दूसरे देश को किस प्रकार से पराजित कर रहे हैं, ये सब भावना देखो जुड़ी होती है ना। और तुम लोग जब तुम्हारे इंडियन कोई क्रिकेट प्लेयर अच्छा चौका छक्का लगाता है तुम लोग यहाँ उछल पड़ते हो, लगता है लेकिन तुम रूम में बैठे हुए भी तुमको बहुत आनंद आ रहा, तो उसका आनंद लेते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।